हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए दमदार वीडियो में। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरे प्रियजनों, आज हम फिर से एक विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो को ध्यान से अपना समय निकाल के थोड़ा बहुत देख लेना, आपके मसीह जीवन में लाइफ में चेंजिंग आ जाएगी। मेरे प्रियजनों, एक समय की बात है, जब यीशु मसीह को सैनिक लोग क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे तो कुछ स्त्रियाँ यीशु के लिए रो रही थी, बिलाप कर रही थी, रो रही थी, छाती पीट रहे थे। लिखा लूका की पुस्तक में 23:28-29 में यीशु ने उनकी ओर फिर कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, तुम मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं। कौन से दिन आते हैं? जिनमें वे लोग कहेंगे, धन्य वे हैं जो बांझ हैं और वे गर्भ जो ना जने, और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कहेंगे कि हमें ढांप लो। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर वचन साफ बता रहा है, यीशु मसीह ने उन स्त्रियों को पलट कर कहा था, हे यरूशलेम की पुत्रियों, तुम मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बच्चों के लिए जग करो, क्योंकि देखो ऐसे दिन आते हैं। कौन से दिन आते हैं? जो 7 साल का महाभारी क्लेश काल होगा, जो 3.5 साल क्लेश काल के, 3.5 साल महाक्लेश काल के। धन्य उनको, ये समस्या ने कहा, जो बांझ हैं और जो वे गर्भ जो पुत्र को जन्म नहीं दे सकते। अभी समय है, अभी टाइम है, अभी वक्त है मेरे प्रियजनों, अभी बचा लो। अभी ये समस्या नहीं आया है, अभी टाइम है, मन फिराने का अवसर दे रहा परमेश्वर, टाइम दे रहा है। अभी सुधर जाओ और लौटाओ परमेश्वर के पास। कब तक पाप करते रहोगे? कब तक एक दूसरे का नंगापन देखते रहोगे? कब तक गुप्त रीति से दूसरों का नंगापन देखते रहोगे अपने मोबाइल पे गुप्त रीति से? याद रखना, जो आप पाप करते हो परमेश्वर गिन गिन कर लिस्ट बना रहा है। जो आप पाप कर रहे हो परमेश्वर वही लिस्ट खोल कर आपको दिखाएगा, तब वहाँ पर कोई क्षमा नहीं दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर न्याय किया जाएगा। और न्याय सिंहासन के सामने, श्वेत सिंहासन के सामने परमेश्वर वही शरीर पहनाएगा, वही शरीर पहना के परमेश्वर न्याय करेगा, और वही शरीर पहना के परमेश्वर उसको नर्क में डालेगा। यहाँ भी तड़पाया जाएगा और सीधा डायरेक्ट उसे नर्क में डाल दिया जाएगा, जहाँ लोहा पानी पानी बन जाता है। मेरे प्रियजनों, जहाँ पर लोहा पानी पानी बन जाता है। अभी समय है, अभी वक्त है। प्रकाशित वाक्य बताती, प्रेरित योहन्ना की तरह जो रची गई है, अंत के दिनों में लोग खून पीना चाहेंगे, खून मिलेगा, पानी नहीं, उन्हें लहू मिलेगा, लहू पीना पड़ेगा, पानी नहीं, खून मिलेगा, खून। मेरे प्रियजनों, अभी समय है, अभी लौटाओ, परमेश्वर माफ़ कर देगा। अभी टाइम नहीं बचा हुआ जाता मेरे प्रियजनों। क्यों पाप करके अपने प्राण को नाश करना चाहते? क्यों पाप करके बार बार परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हो? उसके हाथों में पड़ना अच्छी बात नहीं है भाई, वो जान निकाल लेगा आपकी अगर उसके हाथों में पड़ गए। लिखा मत्ती चौबीस अध्याय के 4 वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने एक पावरफुल यहाँ पर एक संदेश का एक बात बोली थी अपने चेलों से, एक बात कही थी। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना पूरा कंप्लीट। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। लिखा यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं ही मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को गुमराह कर देंगे। या पर यीशु मसीह बार बार अपने चेले को चेतावनी कर गए थे, तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। मेरे प्रियजन, यहाँ पर मेरे रात दिन जागने को नहीं है, मेरे प्रियजन बाइबल बताती है, नित्य प्रार्थना में लगे रहो, सुबह शाम प्रार्थना में लगे रहो। हमें पापों की नींद में नहीं सोना है, दुनिया की भीड़ में नहीं खोना है, हमें नहीं खोना है। मेरे प्रियजनों, चुनाव आपके हाथ में है, जीवन और मौत की बातें आपके सामने रखी है। पुराने नियम में परमेश्वर ने पहले ही से ये बातें रख दिया था, चुन लो जिसको चुनना चाहते हो। यदि आप दो नाव में पैर रखोगे तो नाव डूब जाएगी, मेरे प्रियजनों डूब जाएगी। इसलिए समय है, अभी भरमाने शिक्षाओं पर मन मत लगाइए, मत मत मन मत लगाओ मेरे प्रियजनों। तो बाइबल बताती है,
बाइबल बताती है जब ये एक समय की बात है जब यीशु मसीह का पुनः आगमन होगा, जब परमेश्वर यीशु मसीह वापस आएगा। लिखा बाइबल में जागते रहोगे, मत्ती 24 का 36 वचन में लिखा हुआ है। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। देखो जागते और प्रार्थना करते रहना, क्योंकि तुम नहीं जानते हो तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। याद रखना, यदि घर का स्वामी जानता होता, घर का मुखिया मालिक जानता होता मेरे घर में आज चोर आएगा, चोरी होगी, डाका पड़ेगा, सेंध लगेगी, तो पहले से अपने घर की चौकसी करता, जागता रहता, अपने घर को चोरी होने से डाका पड़ने से बचा लेता। इसलिए यीशु मसीह ने यह बात किसी के ऊपर प्रकट नहीं किया है। अगर वो पहले बता देता कि परमेश्वर यीशु मसीह आ जाएगा या कल आएगा, संडे को आएगा या बृहस्पतिवार को आएगा, मंगलवार को आएगा, तो बता देता तो लोग खूब पाप करते और पाप करके टाइम आने से पहले मन फिरा लेते और सभी स्वर्ग चले जाते। परंतु नहीं, ऐसा यीशु मसीह ने नहीं किया। उसने गुप्त में रखा और गुप्त में अचानक यीशु मसीह आएगा, अचानक आएगा। कोई तो समय पाप कर रहा होगा, कोई तो समय बाइबल पढ़ रहा होगा, कोई तो समय प्रार्थना कर रहा होगा, जो समय तैयार होगा, जिसकी तैयारी बनी होगी। 10 कुमारियों का दृष्टांत आपने सुना होगा, 5 समझदार थी, 5 मूर्ख थी, 5 समझदार कुंवरियाँ यीशु मसीह के साथ उठा ली गई थी। याद रखना, वही 5 समझदार कुंवरियाँ हैं जो परमेश्वर के वचनों को सुनती थी, परमेश्वर के वचनों को मानती थी, उनके अंदर पवित्र आत्मा था, वे पवित्र थी। अगर आप वैसे ही हो तो परमेश्वर आपको उठा लेगा स्वर्ग यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रिय, इस वीडियो को दबा के शेयर करना अपने मसीह बंधु के पास। आशा करता हूँ छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करें अपने मसीह बंधु के पास। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।